नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। इसी के मद्देनजर ग्वालियर अंचल में बाढ़ जैसे हालातों से कैसे निपटा जाए और लोगों को बाढ़ से सुरक्षित रेस्क्यू कर सुरक्षा रखा जाए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए डबरा के धुमेश्वर सिंध नदी घाट पर एडीएम के दिशा निर्देश पर सुबह से ही सिंध नदी पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम द्वारा संयुक्त मॉक ड्रिल प्रैक्टिस की गई, जिसमें एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह ने बताया, हमारी 29 लोगों की टीम ने आज सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मॉक ड्रिल कर अभ्यास किया, जो कि आपदा आने वाले पल लोगों को पानी से कम समय में कैसे बचाकर बाहर निकाला जाए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर सुरक्षित करें, इन सभी बातों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ही अभ्यास किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। इसमें आज जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, क्योंकि पिछले वर्ष जो है इसी समय लगभग 1-2 तारीख के अगस्त के आसपास जो है बाढ़ आई थी और रेस्क्यू जो है किया गया था। और इस बार जो है पहले से हम लोगों ने तैयारी कर रखी है, इक्विपमेंट मंगा लिए हैं, जीपी एचडीपी बोट बुलवा ली है। इसके अलावा जो छोटे छोटे जो भी इसमें सामग्री लगती है उसको पहले से हम लोगों ने बुलवा के रख लिया है और उसी की आज जो है लगभग 12-13 यहाँ आए हुए हैं। मॉक ड्रिल की जा रही है और किस तरीके से लोगों को बचाया जाए जो कि पानी में डूब रहे हों या टापू के बीच में फंस गए हों, ये आज टीम के द्वारा जो है एक रेस्क्यू ऑपरेशन की जो है मॉक ड्रिल की गई है। और इसमें जो है लगभग 30 से 40 जो जवान जो है हम लोगों के साथ हैं और ये पूर्व तैयारी पूर्व अभ्यास माना जा सकता है, यदि बाढ़ आती तो हम किस तरीके से क्या बचाव कार्य करेंगे। कितनी बार करवाई जाती है बारिश का मौसम? ये एक बार जो इक्विपमेंट देखना और करना और जैसे बोट जो है 5 से 7 मिनट में हवा भर के और पानी तक पहुँचाना, ये होमगार्ड ऑफिस में करना एक अलग बात है, लेकिन सिंध नदी पे आके और एक्चुअल में जब बाढ़ आती है तो वो स्थिति अलग होती है। इसलिए आज मेन यही नदी पे आके और यह किया जा रहा है कि कितनी जल्दी कितनी तैयारी के साथ हमारी टीम एक्टिवली नदी में आ सकती है और लोगों को बचा सकती है।